मेरे वालों सारिया नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। बलविंदर दी रसोई विच तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं सोयाबीन दीआं वड़ियां तों बनावांगे क्रिस्पी चटपटा नाश्ता, जो कि टी टाइम स्नैक्स है ते बहुत ही टेस्टी बन के तैयार। असीं लईआं ने 100 ग्राम सोयाबीन दीआं वड़ियां, इस तरह बहुत ही कड़क हुंदीआं ने। असीं लिया गर्म पानी, असीं वड़ियां दे विच पा के ते वड़ियां नूं 10 मिंटां वास्ते भिओ के रख दिंदे आं, ता जो ये वड़ियां जड़ियां ने सॉफ्ट हो जान। तो असीं इहनूं 10 मिंटां वास्ते ढक दिंदे आ। 10 मिंट हो गए ने ते असीं हुण सोयाबीन दीआं वड़ियां नूं चैक कर लैंदे आ। वेखो वड़ियां साडियां पूरी तरह फुल के ते तैयार हो गईआं ने, ते असीं इहनूं हुण पाणी विच कढ के चंगी तरह निचोड़ लैंदे आ। इस तरह वड़ियां नूं असीं हत्थां विच लै के ते चंगी तरह निचोड़ लवांगे। इहदे विच थोड़ा जिहा भी पानी नहीं रहना चाहीदा, ते इस तरह ही सारियां निचोड़ के ते असीं तैयार कर लवांगे। सोयाबीन नूं असीं निचोड़ के रख लिया है, ते इहदे विच असीं हुण मसाले ऐड करने आ। इहदे विच पा देंगे असीं अदरक दा पेस्ट, कुटिया होया लसन पा देंगे, हरा कटिया होया धनिया पा देंगे, एक चम्मच पा देंगे असी चाट मसाले का, तिखे वास्ते पा देंगे थोड़ी जी असी कुटी हुई लाल मिर्च, स्वाद अनुसार पावांगे नमक, एक चम्मच भर के पा देंगे धनिया पाउडर का, थोड़ी जी पा देंगे असी हिंग ते गरम मसाला, कलर देने वास्ते पा देंगे असी इहदे विच कश्मीरी लाल मिर्च, इहदे नाल कलर बहुत वधिया आउंदा, ते मिर्चां इन्नियां तिखियां नहीं हुंदियां। सारे मसालियां नूं असीं मिक्स कर दिंदे आ, तां जो सारे जिहड़े मसाले ने वड़ियां ते पूरी तरह कोट हो जाण। इहदे 2 चम्मच असीं दही दे पा देंगे, दही गाढ़ा होना चाहीदा। दही नूं विच मिक्स कर दिंदे आ। जे तुसीं पतला दही पाओगे तो फिर तुहानूं कोटिंग वास्ते मैदा जां कॉर्नफ्लावर ज़्यादा पाउणा पवेगा, इस करके जदों भी तुसीं विच दही पाउणा तो दही नूं पहलां तुसीं किसे छननी दे विच पा लो, तां जो जिन्ना भी उहदे च एक्सट्रा पानी सारा बाहर निकल जाए तो गाढ़ा दही सानूं मिल जाए। इहदे विच हुण कॉर्नफ्लावर पा देंगे, इहदे नाल जिहड़ियां इह नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होएगा। तुसी कॉर्नफ्लावर भी पा सकते हो, अरारोट भी पा सकते हो, तो चावलों का आटा भी पा सकते हो। 1 चम्मच असी चावलों का आटा पा देंगे, तो इन्हां नूं हुण असी मिक्स कर देने आ। जे तुहाडे को अरारोट जां कॉर्नफ्लावर ना होवे तो तुसी इहदी कोटिंग बेसन दे नाल भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे सोयाबीन दीआं वड़ियां नहीं खांदे, तो तुसी इह हैल्दी ऑप्शन हुंदा, तुसीं इस तरह कोई ना कोई स्नैक्स बना के तुसीं उन्हां नूं खवा सकदे हो। ते वड़ियां साडियां तैयार हो गईआं, ते असीं इन्हां नूं फ्राई कर लैंदे आ। साडा गर्म हो गया है, ते असीं इस तरह एक एक वड़ी नूं चुक के तेल दे विच पाई जावांगे। इस तरह हिलाते हुए असी इन्हों पूरी तरह तो क्रिस्पी कर लेंगे। एक बार तुम ये स्नैक्स बना के खा लिया तो पकौड़े समोसे सब खाना भुल जाओगे। देखो कितना वधिया दा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। फ्लेम से नहीं फ्राई करना, मीडियम सेक ते ही इन फ्राई करो, ता जो अंदर तक भी वधिया तरह पक जाए। दूसरा बैच भी असी इसे तरह ही फ्राई कर लेंगे। स्नैक्स साढ़े बन के तैयार ने, तो असी इन्हां नूं हुण सर्व करने हैं।
जे अज दी तुहानू रेसिपी वधिया लगी होई प्लीज़ तुसी लाइक करियो ते अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करियो ते अपने घर बना के जरूर ट्राई करियो। जे तुसी चैनल ते पहली बारी आए तो सबसक्राइब भी जरूर करियो। सोयाबीन दे चटपटे क्रिस्पी स्नैक्स साडे बन के तैयार ने ते वेखो किन्ने वधिया बने ने। ते जे तुहानू अज दी रेसिपी वधिया लगी होई तो तुसी कमेंट करके जरूर दस्सियो क्योंकि तुहाडे कमेंट दे नाल ही साडी हौसला वधाई हुंदी है ते सानू बहुत सपोर्ट मिलदी है। फिर मिलांगे एक नवी रेसिपी दे नाल, तद तक लई बाय बाय।